हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोलिश्री है। मेरे हस्बैंड दिलीप सिंह, हम दोनों रांची से बिलोंग करते हैं और बाय प्रोफेशन हम दोनों इंटीरियर डिज़ाइनर हैं। 2 साल पहले हमारे एक फ्रेंड ने हमें एक बिजनेस प्लान दिखलाया जिसका नाम था वेस्टीज, और हमें इस बिजनेस में प्लग इन किया। ठीक है, शुरू शुरू में तो हमें थोड़ा कम समझ में आया है बिजनेस, और हमने ये एज इन कस्टमर एज इन कंज्यूमर इसको इनके प्रोडक्ट्स यूज किए, लेकिन प्रोडक्ट्स यूज करने के बाद हमें लगा कि नो डाउट प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, और धीरे धीरे हम लोग इस बिजनेस में इन्वॉल्व होते चले गए। और 2018 में मेरा इंटरेस्ट तो अभी थोड़ा कम ही था, 2018 में मेरे हस्बैंड बिना मुझे बताए दिल्ली में एक मीटिंग होती है फैमिली रियूनियन, वो इन्होंने अटेंड की मेरे बिना। और लेकिन उसको अटेंड करने के बाद जो पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही चीज़ों में काफ़ी चेंजेस आए, हमने इन्होंने बिजनेस सीखा और धीरे धीरे हमें ये चीज़ें समझ में आने लगी। आके इन्होंने मुझे भी बताया कि इसको बिजनेस को कैसे करना है, क्या बिजनेस की खूबसूरती है, कैसे हम कर सकते हैं इस बिजनेस को, और फिर मिलकर के साथ में हम दोनों ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। और 2019 में फिर हमने अपना DCD और कंप्लीट किया। उसके बाद आगे दिलीप जी आपको बताएंगे। फ्रेंड, मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम लोग फैमिली रियूनियन 2018 में हम त्यागराज स्टेडियम में गए थे, तो मुझे लग रहा था कि वहां पे कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन मेरा फ्रेंड ने जब मुझे बोला कि एक बार आप चल चलो, प्लीज आप एक बार चल चलो, मैंने कहा ठीक है, दिल्ली मेरा काम होते रहता है, मैं पहले दिल्ली में रहता था तो दिल्ली एक बार चल चलता हूँ। जब हमने वहां गए और वहां पे जब त्यागराज स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, तब मेरी आंखें खुली रह गई कि हर प्रोफाइल के लोग वहां पहुंचे हुए थे। मैं सोचता था मैं इंटीरियर डिजाइनर, वहां डॉक्टर इंजीनियर जिस प्रोफाइल के लोग आप सोचो वो पहुंचे हुए थे। फिर वहां पे मैंने उस बिजनेस को जो विनिंग टीम का टीचिंग और ट्रेनिंग है उसको देखा समझा, और फैमिलियर एटमॉस्फेयर को मैं सबसे अच्छा मुझे जो क्लिक किया वहां फैमिलियर एटमॉस्फेयर जो मुझे मिला वहां एक परिवार की तरह, हजारों लोग एक परिवार की तरह। मेरे लाइफ में हम लोग पैसा तो कमा रहे थे, एक चीज नहीं था, जो नहीं था हमारे पास टाइम, और एक नहीं था जो था वो था फ्रीडम। और पैसे तो थे लेकिन पैसे की सिक्योरिटी नहीं था हमारे, बात क्या। लेकिन जो वेस्टीज का जो सबसे खूबसूरत जो चीज मुझे लगा वो है जेनरिक प्लान। जेनरिक प्लान में मुझे इस चीज को लगा कि मैं अगर इस बिजनेस में आ जाता हूं तो मेरे बच्चों की लाइफ सिक्योर हो जाएगी, अगर वो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता है तो भी उसको पैसे अर्न करने के लिए सोचना नहीं है। यही बातें मैंने मौनी को समझाया, मौनी ने फिर कहा कि नहीं चीजें तो अच्छी है, फिर धीरे धीरे इसने इंटरेस्ट लिया, और हमने जैसे इन्होंने बताया कि हम लोग UCD फिर DCD उसके बाद गए, और बिजनेस हम लोग बहुत अच्छा बिल्ड कर रहे हैं। इस बिजनेस में करीब 6 डिजिट का अपना फिगर इसमें अर्निंग हो रहा है, और विनिंग टीम और वेस्टीज का जो कॉम्बिनेशन है नो डाउट काफी अच्छा है। दोस्तों, मैं एक चीज तो हमेशा बताना चाहूंगा कि एक फैमिली रियूनियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, और विनिंग टीम कि जब फैमिली रियूनियन 3 दिन का प्रोग्राम करोगे और वहां का टीचिंग ट्रेनिंग आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये चीजें क्या है, और वहां पे आप जिस प्रोफाइल के लोग को सोचोगे वैसे आप सोचोगे, बहुत अर्नर हो तो और जो बहुत क्राइसिस में जी रहे हो, हर लोग वहां पे सक्सेसफुल है इस बिजनेस में। यहाँ पे एक चीज मैं जरूर बोलूंगा फ्रेंड्स कि यहाँ पे इस बार भी हमारा फैमिली रियूनियन हो रहा है जो कि आप सबसे पहले सूरत में है 2, 3, 4 फरवरी को, फिर 14, 15, 16 फरवरी को इंदौर में है, और मार्च में है 6, 7, 8 मार्च को दिल्ली में। ये तीनों जगह आप आ सकते हो और उसके बाद आप देख सकते हो कि आपकी लाइफ कैसे चेंज हो रही है। मैं ये चीज तो जरूर कह सकता हूँ फ्रेंड कि जो आप 1 मिनट में लिया हुआ, 1 मिनट में कोई लाइफ चेंज तो नहीं होता, लेकिन 1 मिनट में लिया हुआ डिसीजन जो होता है वो लाइफ चेंजिंग होता है। हमारी लाइफ चेंज हुई है, इसका प्रैक्टिकल उदाहरण हम लोग देख रहे हैं, अपने फील्ड में थे, लेकिन आज मुझे ये लगता है कि आने वाला फ्यूचर में जब मेरा बच्चा आज 8 साल का है, वो कल को 18 साल 21 साल का होगा, तो मुझे 10 लाख 15 लाख के लिए सोचना नहीं होगा। सबसे बड़ी खूबसूरती यही है। दोस्त, मैं फिर से ये कहूंगा आप एक बार फैमिली रियूनियन में आओ, और विनिंग टीम और वेस्टी से एक बार आप उसमें ज्वाइन करके आप उसको देखो कि आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है, आपकी लाइफ में यू टर्न हो जाएगा, आप एक सेलिब्रिटीज हो जाओगे, और आप सोच नहीं सकते हो कि आपको क्या क्या फैसिलिटीज इसमें है, वो आप सारे चीज वहां पे आके देखना पड़ेगा। मैं एक बार फिर से बोलना चाहूंगा, विश यू वेल, विश यू हैप्पी जर्नी। थैंक यू।